नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की रेसिपी में मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपना प्यार दें। आज मैं दो तरह से सैंडविच बनाने जा रही हूँ। सैंडविच मेकर में अगर आपके पास ना हो तो तवे पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक प्याज ले लूँगी, उसे छोटे टुकड़े में काट लूँगी। एक शिमला मिर्च ले लूँगी जो छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, और एक टमाटर भी छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। 8 ब्रेड के पीस ले ली हूँ, आधा कटोरी चीज़ ले ली हूँ, आधा कटोरी मोमोज ले ली हूँ, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स ले ली हूँ, 1 चम्मच ऑर्गेनिक फ्लेक्स ले ली हूँ। ब्रेड के मैं 2 पीस ले ली हूँ और चम्मच से मैं मोमोज लगा दूँगी दोनों ब्रेड में। फिर मैं उसमें चिल्ली फ्लेक्स डालूँगी, ऑर्गेनिक फ्लेक्स डालूँगी। फिर मैं शिमला मिर्च डालूँगी, टमाटर डालूँगी, फिर उसमें प्याज डालूँगी, और फिर मैं चीज़ भी डाल दूँगी। दूसरा ब्रेड का जो स्लाइस है मैं उस पर डाल दूँगी, और इसी तरह से 2 मैं सैंडविच तैयार कर दूँगी। अब सैंडविच मेकर में मैं इसे रखने जा रही हूँ 5 मिनट के लिए। अब मैं सैंडविच मेकर से उसे निकाल लूँगी और पिज़्ज़ा कटर से मैं उसे काट लूँगी ट्रायंगल शेप में। मैं तवे को गरम कर लूँगी, उस पर मैं बटर डाल दूँगी, और बटर डालने के बाद मैं ब्रेड को भी डाल दूँगी। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं दूसरे साइड भी बटर लगा दूँगी और उसे पलट दूँगी। अब हमारा सैंडविच दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। सैंडविच हमारी तवे वाली भी रेडी हो गई है। कटर से मैं उतार लूँगी सैंडविच को, और उसे पिज़्ज़ा कटर से मैं काट दूँगी, और चीज़ भी हमारी पक गई है। अब हमारी सैंडविच रेडी हो गई है। फाइनली अब हमारी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सैंडविच रेडी हो गई है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करके देखिए। ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।